गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सबको। एक बार फिर से आप सबका सक्सेस ट्री के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम एक बार फिर से हिस्ट्री के पन्नों में जाके देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ आ सकती है। तो हमने एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी केस सुना होगा जिसे कहते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानना चाहिए। तो क्या था वो एक्शन और किस संस्था के साथ ये एक्शन जुड़ा हुआ था, आज हम उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या लिखा कि हम बात कर रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की। हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये ट्रेन एक्शन जो जुड़ा हुआ है एक संस्था थी जिसका नाम था HRA। हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है अक्टूबर 1924 कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एक मन बना के आई है क्या कि हम यहां से जो अंग्रेजी राज है उसको यहां से बाहर उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन करेंगे कैसे? आर्म्ड रेवोल्यूशन, यानी कि हथियारबंद होके हम अंग्रेजों का सामना करेंगे। इस सोच के साथ ये संस्था का संगठन किया जाता है। अब यहां पे जानना ये भी जरूरी है कि इस संस्था के साथ जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसान हैं, उन सबके नाम जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम यहां पे आएगा JC चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, तीसरा हम यहां पे लिखेंगे सचेंद्र नाथ बख्शी, फिर हम बात करेंगे यहां पे सचेंद्र नाथ सान्याल। ये कुछ चार इंपॉर्टेंट नेम है, इनके अलावा बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए हैं इस HRA नाम की संस्था के साथ। ये चार बंदे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट के नाम हमको पता होने चाहिए। और रही बात राम प्रसाद बिस्मिल जी की, तो ये जो संस्था है ये किस हिसाब से काम करेगी, इस संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ऑलरेडी तैयार कर लिए थे 1923 में अलाहाबाद में। और इस संस्था का अपना एक मैनिफेस्टो था, ठीक है, इस संस्था का एक मैनिफेस्टो था जो किसने तैयार किया था, सान्याल जी ने। उस मैनिफेस्टो का नाम क्या था, द रेवोल्यूशनरी। इस मैनिफेस्टो में क्या कहना चाहते थे सान्याल साहब, वो इस मैनिफेस्टो के थ्रू कह रहे थे कि जितने भी यहां पे यूथ है इस देश का, उन सबको इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। उन सबको एक पुकार थी कि आइए हमारे साथ और हम सब मिलकर हथियार बंद होके अंग्रेजों का सामना करेंगे। और इस मैनिफेस्टो में यह बात साफ साफ लिखी थी, जो हमारे काम करने के तौर तरीके होंगे वो गांधी जी के तौर तरीके से मेल नहीं खाएंगे, यानी कि गांधी जी के तौर तरीकों से अलग चलने वाली संस्था है हम और हमारे तरीके अलग होंगे। हथियार बंद होके तो कभी गांधी जी कहते ही नहीं थे, और ये हथियार बंद होके काम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से तो बात शुरू होती है। अब हथियार बंद, हथियार आएंगे कहां से, तो हथियार चाहिए, इस नई नई संस्था को फंड चाहिए ताकि ये काम कर पाए। तो इसीलिए एक प्लान इनके दिमाग में आता है। अगर मैं बात करूं कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य भूमिका या प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो दो नाम याद रखने हैं। जो प्लान था बेसिकली ये तैयार किया गया, फिर से नाम आएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी, और दूसरे हैं अश्वक लखान। ये दोनों मिलके एक प्लान तैयार करते हैं कि हम एक ट्रेन को लूटेंगे जिसमें बहुत सारा पैसा होगा। अब इस ट्रेन को लूटने का मकसद पैसा ही सिर्फ नहीं है। चलो हम मानते हैं कि सर पैसा लूटना था क्योंकि हथियार चाहिए थे, उस पैसे से हथियार लेंगे, अपनी संस्था को फंड करेंगे। एक्चुअल में एक ट्रेन, वो कौन सी ट्रेन है, 8 डाउन ट्रेन, जो कि उस दिन
शाहजहांपुर, टू लखनऊ का जिसका रूट है, शाहजहांपुर से लखनऊ वाली एक ट्रेन है एट डाउन ट्रेन, उसमें बहुत सारा पैसा है, उस पैसे का लूटने की बात करेंगे। ये पैसा यहां भारतीय लोगों के से टैक्स के माध्यम से कलेक्ट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पैसे को लूटने का प्लान था, एक तो वेपन हथियार या फंड करने के लिए अपने आप को, दूसरा ये प्रकट करने के लिए कि तुम जो ये यहां से टैक्स इकट्ठा करते हो हम इस चीज का विद्रोह करते हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम भारतीयों से टैक्स लो। तो इन दोनों चीजों का यही इस ट्रेन एक्शन का दो मेन मकसद थे, एक कि एचआरए अपने आप को अपनी संस्था को फंड करना चाहती थी, हथियारों के लिए पैसा भी चाहिए थे, और दूसरा यह भी आक्रोश दिखा रही है कि अंग्रेजों तुम्हें यहां से भारतीय लोगों से टैक्स लेने की अनुमति नहीं है, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, हम इस चीज का विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो ये प्लान था, ये ट्रेन और इस रास्ते पे आने वाली है, और इसी रास्ते पे एक गांव है काकौरी, शाहजहांपुर टू लखनऊ रास्ते में एक गांव आता है काकौरी। प्लान क्या कहता था कि इसी गांव के पास एक बंदा ऑलरेडी ट्रेन में जो इमरजेंसी चेन होती है उसे खींच देगा, वो व्यक्ति कौन होगा, वो होंगे राजेंद्र लहरी। ठीक है, ऐसा ही होता है, और वो दिन कौन सा जिस दिन ये काम होता है, 9 अगस्त 1925 का दिन है जब ये काकौरी ट्रेन एक्शन एक्चुअल में होता है, इनके द्वारा चेन खींची जाती है, और सारे के सारे लोग जितने भी इस डकैती या मैं कहूंगा इस कॉन्स्पिरेसी में या इस लूट में शामिल थे वो सारे इस ट्रेन में आ जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में एक पैसेंजर की यहां मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अहमद अली नाम के एक पैसेंजर होते हैं इस एक्शन में, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहां से आगे ये काम हो गया, अब सारे के सारे जो बंदे हैं लूटने के बाद लखनऊ की ओर भाग जाते हैं। जब अंग्रेजों के पास ये बात पहुंचती है तो वो उन सारे बंदों को ढूंढना शुरू कर देती है कि भाई जितने भी बंदे इस ट्रेन एक्शन में इन्वॉल्व थे उन सबको ढूंढ के लाओ। तो कुल मिला के 40 लोग अरेस्ट होते हैं, कुल मिला के इस ट्रेन एक्शन में 40 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अब इनमें से सबके खिलाफ सबूत तो नहीं मिलते, कई लोग छोड़ दिए जाते हैं वजह कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पुलिस के इन्फॉर्मर बन जाते हैं इस केस में, जैसे कि मैं नाम कहूंगा बंसारी लाल एन इंदु भूषण मित्रा, ये दो इंसान अप्रूवर बन जाते हैं किसके, सरकार के। ठीक है, तो जो बाकी केस चलता है, अब केस तो चलना ही है, फाइनली 1926 में केस चल पड़ता है, ए डॉट हमिल्टन नाम के जज हैं, सेशन कोर्ट में ये केस चलता है, और अप्रैल 1927 में फाइनली जजमेंट आ जाती है, और इस जजमेंट में अलग अलग लोगों को अलग अलग सजा, कईयों को फांसी की सजा होती है, कईयों को काला पानी की सजा होती है, कईयों को 14 साल की सजा होती है, अलग अलग सजा हर व्यक्ति को यहां मिलती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं हमारे पेपर की, तो पूछा जाता है कि वो चार व्यक्ति कौन थे जिनको फांसी की सजा हुई है काकौरी ट्रेन एक्शन की वजह से, तो वो चार व्यक्ति कौन है, एक तो रामप्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और चौथे इंसान हैं अशफाक उल्ला खान। इन सबको है जो दिसंबर 1927 में फांसी होती है इस काकौरी ट्रेन एक्शन की वजह से। ठीक है, अब यहां पे कई बार ये भी पूछा जाता है कि सरकारी वकील को सरकार की तरफ से कौन सा वकील था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस में कौन था, तो उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार की ओर से इस केस में कौन थे, जगत नारायण मुल्ला।
ठीक है, ये जो शख्स हैं, ये पब्लिक सरकार की ओर से इस केस को लड़ते हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब यहां पे जब इन सबको फांसी की सजा हो जाती है तो बहुत आक्रोश प्रकट किया जाता है आम जनता के द्वारा, बहुत विद्रोह करते हैं इस चीज का। कई जगह अलग अलग जगह पे इनकी फांसी की सजा को कम करके बाउमर कैद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई या कहा गया कि कर दीजिए, लेकिन जो गोरी सरकार थी वो नहीं मानती है। हमने बहुत सारे यत्न किए, हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत सारे यत्न किए कि जैसे तैसे करके जिनकी फांसी है वो उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन नहीं होता। फाइनली एक बार लास्ट टाइम मर्सी पिटीशन डाली जाती है। मर्सी पिटीशन डाली जाती है, प्रिवी काउंसिल, आप सबको याद होगा एक प्रिवी काउंसिल होती थी जिसमें जिसको लास्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता था हमारे यहाँ पे, पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले यहाँ पे एक प्रिवी काउंसिल नाम की चीज होती थी जो लास्ट होप थी। मर्सी पिटीशन जाती है, अब मर्सी पिटीशन किसके थ्रू जाती है वो नाम याद रखना है, हेनरी एस डॉट एल पोलाक नाम के एक लॉयर हैं इंग्लैंड के, इनके थ्रू मर्सी पिटीशन भेजी जाती है, लेकिन उस मर्सी पिटीशन को भी रद्द कर दिया जाता है और चारों के चारों इंसान दिसंबर 1927 को फांसी की सजा उनको दी जाती है और फांसी हो जाती है। तो दोस्तों ये सारा का सारा क्या था, काकोरी ट्रेन एक्शन था, जिसे हम पहले काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कहते थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण एक ट्रेन एक्शन है, तो आप सबको इसके साथ जुड़े हुए तथ्य फैक्ट्स पता चल चुके होंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।